राजकीय मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय सिरोही में यूं तो हर दिन ऑपरेशन होते हैं, हर तरह के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन पवनी देवी का ऑपरेशन टोटल हिप रिप्लेसमेंट आज चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि श्रीमती पवनी देवी के इस ऑपरेशन का एक रुपया खर्चा नहीं हुआ, सिंगल रुपया खर्चा नहीं हुआ, और चिरंजीवी योजना के अंतर्गत यह ऑपरेशन हुआ। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं। डॉक्टर निठारवाल साहब जो यहाँ के ऑर्थोपेडिशियन हैं, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन को चिरंजीवी योजना के तहत किया जिसमें मरीज का एक रुपया खर्चा नहीं हुआ। इसमें सरकारी अस्पताल में पहले भी खर्चा नहीं होता था, लेकिन कुछ दवाइयाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटों का खर्चा होता था, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता और मरीज का ऑपरेशन सहज रूप से सरलता से हो जाता है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय इस मरीज के हाल चाल पूछने पहुंचे और पूछना जरूरी था, और इस तरह का संदेश आज हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं कि सभी तरह के ऑपरेशन आने वाले समय में आज से ही, हालांकि पहले से हो रहे थे, लेकिन चिरंजीवी योजना को परफेक्ट रूप से अब इसमें अगर कुछ थोड़ा समय भी लग जाता था, लेकिन अब कोई विलंब नहीं और इस योजना के तहत एक रुपये का खर्चा नहीं होता। आने वाले समय में आंखों के ऑपरेशन भी फैको पद्धति से होंगे, इसके लिए भी श्रीमान पीएमओ साहब और जिला कलेक्टर महोदय और यहाँ के माननीय विधायक महोदय और तमाम सिस्टम को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। उन्होंने रोटरी क्लब को प्रेरित किया और फेको मशीन, चूंकि मेडिकल कॉलेज के लेवल पे ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, करेगा, और आशा है मेडिकल कॉलेज जिस तेजी से बन रहा है, बन चुका है, और ईश्वर करे इस साल ये बैच भी शुरू हो जाएगा। पीएमओ साहब ने हालचाल पूछे, जिला कलेक्टर महोदय ने हालचाल पूछे, जो जिला के हमारे जिलाधीश महोदय हैं, जिला के प्रमुख व्यक्ति हैं, जिला के जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, वो आज हॉस्पिटल पहुँचे। पवनी बाई जो एक, जैसा कि डॉक्टर निठारवाल साहब बता रहे थे, एक महिला, विधवा महिला है, जो मुश्किल के, क्योंकि पहले इसके दोनों हिप खराब हो गए थे, लेकिन धन्यवाद है चिरंजीवी योजना को। श्रीमती पवनी देवी ने जिला कलेक्टर महोदय के सामने जब चलकर बताया तो सबके चेहरे पर एक खुशी का भाव था। आज श्रीमती पवनी देवी चलने लगी है चिरंजीवी योजना से, हमको चाहिए कि हम इस योजना का लाभ उठाएं, इस योजना का अधिकाधिक प्रचार करें। मैं राजेंद्र नरूका, ये मेरा निजी अनुभव है, किसी भी सरकारी अस्पताल में चिरंजीवी योजना से बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक निशुल्क हो जाता है। पहले 5 लाख तक की बीमा योजना थी, अब 10 लाख तक की योजना है, और इस बात के लिए हमको सरकार का आभार ज्ञापित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, नमस्कार।